बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी एक बार फिर से अमित शाह को मिल गई है। उन्हें दूसरी बार अध्यक्ष पद की कमान सौंप दी गई है। अमित शाह को निर्विरोध पार्टी का अगला अध्यक्ष चुना गया। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का नाम प्रस्तावित किया। इसके अलावा राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री प्रस्तावक बने और अमित शाह के नाम का प्रस्ताव देने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और शांता कुमार नहीं पहुंचे। माना जा रहा कि ये तीनों नेता प्रस्तावक नहीं बनना चाह रहे थे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में अमित शाह के समर्थक पहुंचे हुए हैं। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और शाह का कार्यकाल शनिवार को पूरा हो गया। नया कार्यकाल पूरे 3 साल का रहेगा। तो अमित शाह फिर से बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीजेपी के शहनशाह की, जो अमित शाह हैं फिर से अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल देखने को मिला। दिनांक 24 जनवरी 2016 रविवार को पार्टी मुख्यालय 11 अशोका रोड में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुई। मैं अविनाश राय खन्ना, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री अमित शाह जी को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करता हूं और ये प्रमाण पत्र शुभकामनाओं से मैं प्रेरित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसमें कि आंतरिक लोकतंत्र है और बराबर हर 3 वर्ष पर संगठन के चुनाव विधिवत संपन्न होते हैं। विगत 1.5 वर्षों से लगातार श्री अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इस बार यह आम सहमति बनी कि अगले 3 वर्ष के लिए भी यह संगठन की जिम्मेदारी श्री अमित शाह को ही दी जानी चाहिए। इसके लिए लोगों से नामांकन पत्र भी आमंत्रित किए गए थे, लेकिन एक ही नामांकन पत्र आया और मैं समझता हूं एक ही नामांकन पत्र अमित शाह जी का केवल आया तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि पार्टी में एक आम सहमति थी। मुझे पूरा विश्वास है श्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता हासिल करेगी। उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूं।